मैं स्वीटी जोशी मुंबई से एब्स्ट्रैक्ट आर्टिस्ट और कल से ही जहांगीर आर्ट गैलरी में मेरा फायर लैटिट्यूड शो शुरू हुआ है जो कि 22 तक है और सभी को वेलकम करती हूँ मैं आने के लिए शो देखने के लिए। और ये जो मेरे पीछे वर्क है ये 40 फीट का बड़ा पेपर वर्क है जिसपे मैंने लाइक 4.5 साल काम किया है और उसी के साथ कई सारे वर्क्स डिस्प्ले है यहाँ पे जिसमें मैंने काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। पर बेसिकली मेरा फायर एलिमेंट है मेरे काम का और उसी के साथ मैं लास्ट 20 ईयर्स से काम कर रही हूँ, उसी के साथ एक्सपेरिमेंट्स कर रही हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि हम सभी लोग एक पूरे लाइफ में अलग अलग लेयर्स पे जीते हैं, तो वो लेयर्स, खुद के लेयर्स, दूसरों के लेयर्स या पूरे लाइफ में जो जो फेजेस आती है उसके लेयर्स यू नो सर्च करना या उनको समझ लेना, ये मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और मैं कभी पेपर पे लेयर्स चिपकाती हूँ, कभी थ्रू बर्निंग लेयर्स यू नो पूरे होल्स करके लेयर को ओपन अप करती हूँ। तो बेसिक मेरा ये काम है, स्टाइल है काम का। और नेचर इज अ लाइक बेसिक इंस्पिरेशन फॉर मी आल्सो, मीन्स जैसे कि पेड़ पत्ते हैं या ट्रीज है जो कि जिनके रूट्स हैं और मुझे लगता है कि वो मुझसे ज़्यादा कनेक्टेड है और इसीलिए पेपर मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैंने आज तक कभी कैनवस के साथ डायलॉग नहीं किया है और मुझे नहीं लगता है कि मैं शायद कर पाऊँगी कभी, क्योंकि पेपर मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है पेपर की क्वालिटी हो। और इसीलिए हर अलग अलग टाइप के पेपर्स के साथ मैं एक्सपेरिमेंट करती हूँ। पर बेसिकली राइस पेपर की जो थीन क्वालिटी है वो मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि आई बिलीव यू नो लाइफ में भी हम सब चीज़ में ट्रांसपेरेंसी मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है। और वो राइस पेपर में जो ट्रांसपेरेंसी है, जो डेलिकेसी है, वो मुझे बहुत भाती है। इस वजह से राइस पेपर में मैंने बहुत काम किया है। उसके साथ ही कई सालों से मैं बुक्स में काम कर रही हूँ, बुक्स बर्न करके, जो कि मुझे लगता है कि शब्दों के आगे भी एक दुनिया है जिसे हमें समझ लेना चाहिए। और कभी कभी हम लोग वो समझ नहीं पाते हैं। सबका, हम लोगों का मोनोलॉग तो चलते ही रहता है, पर डायलॉग खुद के साथ होना या डायलॉग दूसरों के साथ होना विदाउट वर्ड्स, दैट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। और वो भी एक इंस्पिरेशन है। पोएट्री रीडिंग, राइटिंग, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इम्पोर्टेंट फॉर मी। जैसे कि मैं बोल रही थी कि शब्दों के आगे भी एक दुनिया होती है, और यहाँ पे डेलिबरेटली मैंने बुक्स को जलाया है ताकि मुझे, आई बिलीव इन वर्ड्स ऑल्सो, ऐसा नहीं है कि शब्दों के ऊपर मेरा विश्वास नहीं है, पर यहाँ पे जानबूझ के मैंने बुक्स को जलाया है ताकि शब्दों के आगे की जो दुनिया है या दो शब्दों में की स्पेस जो है, वो स्पेस को समझ लेना और वो शब्दों के आगे की दुनिया को समझ लेना और मौन में जाके उसको हम लोग समझ सकते हैं। तो उसके लिए मेरा पूरे वर्ड्स को पूरा मिटाना मेरा मोटिव नहीं है, उनके साथ लाइफ में वो जो साइलेंस है, मौन है, उसको समझना, ये मेरा इंस्पिरेशन है। और जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं कि कई छोटे काम्स हैं और एकदम से बड़ा काम है, तो मेरे लिए छोटा बड़ा ऐसा कुछ नहीं है, मेरे लिए काम काम है। और जब मैं काम पेंटिंग करती हूँ तो वो वहीं पे ख़त्म हो जाता है और नया जो शुरू हो जाता है, तो उसके लिए फिर नया कुछ इंस्पिरेशन यानी जो मन में है उसी से ही शुरू हो जाता है, पर वो स्पेस अलग होती है, फिर उसका कुछ ये नहीं होता डायमेंशंस कि बड़ा है छोटा है, जो है वो उसके साथ न्यूली डायलॉग यू नो करना, ये मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है।